तस्वीरें मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए इनको डिटेन करते हुए ये अपने हक की मांग कर रहे थे और ये वही कैजुअल लेबर हैं जिनकी सैलरी जो है वो 6,000 है और डेली वेजर्स को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है यहाँ पर डिटेन। हमारे हम अपने हाथों का आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो पुलिस हमें उठाकर लेके जा रही है। हमारी मांगे हमें परमानेंट किया जाए। 15-15 साल हो गए हमें नौकरी करते हुए, हमें कोरोना काल में भी हमने काम किया है तो इन्होंने कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं की। विभागों से प्रेस क्लब पहुंचे थे लेकिन उन्हें जो है वो बाहर की तरफ गवर्नर हाउस की तरफ कूच करना था तो यहाँ पर है। लेकिन पुलिस फोर्स, मैं आपको बता दूं कि पुलिस फोर्स जो है वो चाहती है ये आगे ना आ जाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो मेंटेन रहे। और इस तरह के हालात जो है यहाँ पर बने हुए हैं। थैंक यू। और अगर मैं आपको बता दूं कि डेली वेजर्स में जो है इनकी जो महिलाएं भी हैं वो भी हैं और मेल लोग भी है और जिस तरह से ये चाहते हैं कि हमें पक्का करो। जी मैम क्या कहना चाहेंगी आप, जिस तरह से अभी आपको बाहर की तरफ आना था तो ये नहीं है। बोलना क्या है, देखो आ गया जब कोरोना था तब तो हमें इसमें कहीं आ गया, आप लोग आए हम लोग आ गया थे। सफाई करते हम पक्के की आवाज उठाते हैं, हम लोगों को ऐसे गाइड किया जाता है। आपका काम सबसे अहम रहा कोरोना में? हाँ हमें सारा काम अहम भी रहा मगर हमको इंसाफ मिलने में सबसे पीछे रहते हैं हम लोग। आप सबसे पीछे क्यों है, क्यों आपके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कभी आपके लिए गुहार नहीं लगाई क्या? और जा रहे हैं गवर्नर को सेफ्टी चाहिए, हम लोगों को सेफ्टी नहीं चाहिए। गवर्नर को कहा हमारी जगह आके एक दिन काम करके देखे, इनको मालूम पड़ेगा कि हम लोग इतनी हरी पेमेंट में कैसे काम करते हैं। हमारे बच्चे हैं, माँ भी बच्चे वाले हैं, बच्चों को जब इतनी सी पेमेंट लेके घर जाते हैं वो बच्चे बोलते हैं जे क्या लेकर आए हो, कहते हैं बच्चे पढ़ाओ बच्चे लिखाओ, हम इतनी हरी पेमेंट में कैसे बच्चे पढ़ाए कैसे लिखाए, 6,000 में कैसे बच्चे पढ़ाए कैसे बच्चे लिखाए, आप बताओ हमें। आप परमानेंट नहीं है? नहीं हम पक्के नहीं, हम लोग सामने में आपको बता दूं कि सिचुएशन जो है वो बिगड़ती हुई दिख रही है क्योंकि इनको जो है वो बाहर की तरफ आना है। ये वो जगह है जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये वही लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं ताकि जो आम जनता है वो अपने घरों में जो है वो सो सके। ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਓਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਕੀ ਤਰਫ ਆਨਾ ਥਾ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ तो ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए इनको डिटेन करते हुए ये अपने हक की मांग कर रहे थे और ये वही कैजुअल लेबर हैं जिनकी सैलरी जो है वो 6,000 है और डेली वेजर्स को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है यहाँ पर डिटेन। और मैं आपको पीछे की तस्वीरें बता दूं,
जिस तरह से आप सब लोग जान रहे हैं कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ेगी तो पुलिस जो है वो इन्हें गिरफ्तार करेगी। तो महिलाएं, मैं आपको महिलाएं भी दिखा दूं, देखिए महिलाएं जो है वो भी यहाँ पर पहुंची थी। ये देखिए इस तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई। डिमांड्स को जो है वो फुलफिल किया जाए, नहीं तो जो हमारा प्रोटेस्ट है वो और उग्र होगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन आशिया खान का।